आप लोगों का पहला है और ये क्वेश्चन नंबर पहले जो है हम लोगों को किस तरीके से करना है जरा इस चीज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप बताइएगा साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो √3/2 हो जाएगी। तो यहाँ साइन 60 की जगह पे क्या लिखेंगे भैया, √3/2। यहाँ पे डॉट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा। और कॉस 30 डिग्री की भी जो वैल्यू होती है वो √2/सेमी होती है, ठीक है। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन देंगे। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो आपके पास 1/2 होता है, यहाँ पे गुना का साइन देंगे। और कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो भी 1/2 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जरा समझ जाते हैं कि क्या होगा कि जब भी हम लोगों का एक ही नंबर रूट में मल्टीप्लाई होता है तो वहां से क्या निकलेगा भैया, खाली 3 निकल जाएगा। कैसे खाली 3 निकलेगा जरा इसको भी समझ लेते हैं। तो √3 में √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलिएगा कि √9 हो जाता है। अब √9 का मतलब क्या होगा कि इसका जब फैक्टर निकालेंगे तो रूट के अंदर 3 गुना में 3 हो जाएगा। और हमें पता है कि रूट के अंदर जो भी दो वैल्यू रहती है और वो पेयर में बन जाता है तो वहां से एक वो वैल्यू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से जो है एक वो वैल्यू बाहर निकलेगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हम लोगों का √3 का जो भी गुना होगा, गुना में जो करेंगे तो भैया क्या निकल जाएगा, खाली 3 आ जाएगा। और नीचे में गुना करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। बीच में प्लस का जैसे साइन है उसको एज इट इज उतार देना है। अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो भैया 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब करना है इन दोनों का ले लीजिए लघुत्तम, यानी दोनों का लगा लीजिए एलसीएम। तो 4 4 का एलसीएम होता है 4, 4 से 4 में भाग लगाएंगे 1 आएगा और 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। फिर इसे 4 में 4 से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद 1 बचेगा और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4/4 और ये कट जाएगा तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो ये पहला वाला अपना क्वेश्चन था, इस पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया।